कुल्लू पुलिस ने एक बार फिर से जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा के नेतृत्व में भुंतर हत्याकांड को सुलझा लिया। हत्या का आरोप जोबनप्रीत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार कर कुल्लू लाया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 5/12/2022 को शिकायतकर्ता कुसुमा देवी निवासी परगाणु ने पुलिस थाना भुंतर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपना एक कमरा पंजाब के एक दंपति को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दंपत्ति कमरे में नहीं आ रहे थे और कमरे से कुछ दुर्गंध भी आ रही थी, जिस पर उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड मेंबर के सामने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कमरे का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक मोहनलाल रावत, उप पुलिस अधीक्षक राजेश ठाकुर, प्रभारी थाना भुंतर अन्य मुलाजमों के साथ पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान एक महिला की लाश कमरे से बरामद हुई। पुलिस थाना भुंतर ने हत्या का मामला पंजीकृत किया गया। 5 दिसंबर को परगाणु में एक महिला की डेड बॉडी एक किराए के मकान से बरामद की गई थी और उस महिला का पहचान अविनाश कौर के रूप में हुई। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि एक जोबनप्रीत नाम का लड़का जो कि बटाला का रहने वाला था, वो इसके साथ यहाँ पे रह रहा था। इन्होंने दोनों ने शादी भी की थी और उसके बाद ये इसको यहाँ से मार करके यहाँ से भाग गया। ये लड़का जो है 22 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ था। 22 नवंबर को सुबह सुबह ये लड़का वहाँ से कमरे से चला गया था। उसके बाद से इसकी जो पुलिस ने लोकेशंस ली थी तो इसकी लास्ट लोकेशन हमारी हरिद्वार की आई थी, तो पुलिस ने टीम्स को जो है पंजाब और हरिद्वार में पुलिस की जो टीम्स थी इसको ढूंढ रही थी और पुलिस ने इसको पिछले कल जो है हरिद्वार से डिटेन किया है और आज इसको यहाँ पे लेकर के सुबह सुबह भुंतर लेकर के आए हैं। आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल करके अग्रिम जो है तफ्तीश पुलिस द्वारा की जाएगी। क्योंकि कुल्लू में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे काम करने के लिए भी बाहर से आते हैं, चाहे वो सेब के बगीचों में काम करने की बात हो, चाहे वो होटल्स में काम करने की बात हो, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ से बाहर से आकर के रहते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से मैं अपील भी करता हूँ क्योंकि जो भी आपके पास किराएदार हैं, जो भी लोग आपके पास काम करने के लिए बाहर से आए हैं, उनका जो है नाम अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट में जरूर दर्ज करवाएं ताकि पुलिस जो है उन जहां से भी वो आए हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कर सके, का कोई भी व्यक्ति हमारे यहां पे आकर के कोई अपराध ना कर पाए। ये ज़्यादातर तो हम इनको ये कहेंगे जो हमारे आउटसाइड द स्टेट हैं, क्योंकि जितने भी हमारे केसेस हुए हैं यहाँ पर उसमें ज़्यादातर बाहर के राज्यों के लोग इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और कुछ केसेस में हमारे लोकल भी एक्यूज्ड हैं। तो दोनों ही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हों चाहे वो हिमाचल प्रदेश से बाहर के राज्यों के रहने वाले हों, उनकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं।